दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश के टॉप के 100 लोन डिफॉल्टर्स ने मिलके करीबन 5 लाख करोड़ की लोन डिफॉल्ट की है। यानी कि 100 लोगों ने मिलके देश को 5 लाख करोड़ का चूना लगाया है। और हमारे फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 130 करोड़ की आबादी वाले देश में केवल 3 लाख करोड़ की एमएसएमई लोन का ऐलान किया है। और तो और, ये 3 लाख करोड़ के एमएसएमई लोन के पैकेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें केवल उन्हीं लोगों को लोन मिलेंगे जिन्होंने अपने बिजनेस के नाम पे लोन या सीसी ले रखा है। यानी कि 130 करोड़ में से केवल 45 लाख लोगों को ही इससे फायदा होगा। उन लोगों का क्या जिन्होंने अपने खुद के नाम पे, यानी कि इंडिविजुअल नाम पे लोन ले रखा है अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए? उन लोगों का क्या जो छोटे मोटे बिजनेस चला रहे हैं और अभी तक कोई लोन नहीं ले रखा है? अगर उन्हें अब लोन की ज़रूरत होगी तो वो कहाँ जाएंगे? उन लोगों का क्या जिनकी नौकरी जा चुकी है और शायद कुछ महीनों तक उन्हें बिना तनख्वाह के ही गुजारना पड़े? उन सब के लिए क्या कोई लोन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? केवल 45 लाख लोगों को ही दी गई लोन से इकोनॉमी रिवाइव हो पाएगी? और 3 लाख करोड़ में से 20 हजार करोड़ रुपए एनपीए वाले यूनिट्स, यानी कि स्ट्रेस्ड यूनिट्स को देना कितना सही है? क्या ये पैसे वापस आएंगे? ये कुछ ऐसे तीखे सवाल हैं जिनका जवाब शायद आने वाला समय ही देगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर गलती से भी आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी बैंकिंग सिस्टम एनपीए के, यानी कि लोन डिफॉल्ट के, कितने बड़े टाइम बॉम्ब पे बैठी है जो कभी भी फट सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे देश का टोटल एनपीए यानी कि बेड लोन्स के ऊपर नजर डाले तो वो आंकड़ा आएगा 10 लाख करोड़ रुपए। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, 10 लाख करोड़ रुपए। ये ऐसे पैसे हैं जो हमारे देश के चंद पूंजीपतियों या बिजनेसमैन के हाथों में चले गए हैं और वो कभी वापस नहीं आने वाले हैं। मिंट के एक आर्टिकल के अनुसार इन 10 लाख करोड़ में से करीबन 5 लाख करोड़ रुपए तो टॉप 100 डिफॉल्टर्स के नाम पे ही है। यानी कि केवल 100 कॉरपोरेट्स ने मिलकर देश को 5 लाख करोड़ का चूना लगाया है। आप जरा सोचिए, 5 लाख करोड़ रुपए। इसी के चलते यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन ने भी कहा कि इंडिया में जीडीपी के 40% तक दी गई कॉरपोरेट लोन्स देश की इकोनॉमी को तबाह कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी बैंकिंग सिस्टम इतनी कमजोर है, हमारी बैंकिंग सिस्टम इतनी वल्नरेबल है कि कोई भी आके 5-10 हजार करोड़ का चूना लगा के चला जाता है? सवाल यह है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गवर्नमेंट बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक के एनपीए के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर बैंक का एनपीए तो कुछ भी नहीं है। केयर, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उसके मुताबिक पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपीए प्राइवेट सेक्टर बैंक के एनपीए से लगभग 3 गुना बड़ा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक का एनपीए करीबन 4% के आसपास है तो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट बैंक का एनपीए 13% के आसपास है। यानी कि हर करोड़ रुपए की अगर बैंक लोन देता है उसमें से 13 लाख रुपए कभी वापस नहीं आते, 13 लाख रुपए का डिफॉल्ट हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट बैंकों की हालत तो और भी नाजुक है। और इसके अलावा मुद्रा लोन के, जिसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 10 लाख करोड़ रुपए की लोन लोगों को दी है, वो भी एनपीए में अपनी हिस्सेदारी देना चालू करेगी। हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट जैसे कि रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, इन्होंने चेतावनी दी थी कि मुद्रा लोन जैसी टारगेट बेस्ड योजनाएं आगे जाके एक बहुत ही बड़े लोन डिफॉल्ट को आमंत्रण दे सकती है। सरकार को उसके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इन एक्सपर्ट्स की बातों में सच्चाई भी लग रही है, क्योंकि मुद्रा लोन में ऑलरेडी 9200 करोड़ का डिफॉल्ट हो चुका है। पिछले साल के डिफॉल्ट के मुकाबले ये परसेंटेज 126% है। यानी कि आगे जाके मुद्रा लोन में भी और डिफॉल्ट हो सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलरेडी 1 लाख करोड़ रुपए डिफॉल्ट हो चुके हैं। पावर सेक्टर की भी हालत नाजुक है और टेलीकॉम सेक्टर में भी करीबन 92 हजार करोड़ रुपए ड्यू है। तो इन सारी चीज को अगर हम लोग मिला के देखें तो हमारे देश की इकोनॉमी एनपीए के एक ऐसे बॉम्ब के ऊपर बैठी है जो कभी भी फट सकता है। आज 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहली चीज ये कि ये देखा जाए कि गवर्नमेंट बैंक में प्राइवेट बैंक की तुलना में क्यों 3 गुना बड़ा लोन का डिफॉल्ट है।
गवर्नमेंट बैंक लोन देने की ऐसी कौन सी सिस्टम यूज कर रही है कि 13% तक उसमें लोन डिफॉल्ट जा रहा है? हर करोड़ रुपए की लोन के सामने 13 लाख रुपए कभी वापस ही नहीं आ रहे, तो ये कौन सी सिस्टम गवर्नमेंट बैंक यूज कर रही है, उसको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर ये एनालाइज नहीं हुआ तो आगे जाके गवर्नमेंट बैंक, कई गवर्नमेंट बैंक्स डिफॉल्ट कर सकती है। दूसरी बात, किसी भी बड़े कॉरपोरेट्स को बड़ी अमाउंट की लोन देने से पहले उसमें मल्टीपल एजेंसीज को इन्वॉल्व करना चाहिए और कोई पर्टिकुलर एजेंसी की उसमें जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। जब नीरव मोदी ने 11,400 करोड़ रुपए का चूना लगाया था पंजाब नेशनल बैंक को, तब पंजाब नेशनल बैंक ने यह बोला था कि हमारे कोई जूनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एम्प्लॉय था, उसने कुछ गलती कर दी और ये लोन डिफॉल्ट हो गया। अब वो कौन मानेगा कि भाई जूनियर एम्प्लॉय के पास इतनी बड़ी सत्ता होती है कि वो 11,400 करोड़ का लोन डिफॉल्ट करने में सहायक साबित हो? ये पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर कोई एजेंसीज की आज की तारीख में जवाबदेही फिक्स ही नहीं होती, तो ये बहुत ही जरूरी है कि कोई पर्टिकुलर एजेंसी की जवाबदेही फिक्स हो अगर वो लोन में कोई डिफॉल्ट होता है तो। और तीसरी बड़ी बात, इन जो बड़े कॉरपोरेट्स को जो लोन दी जा रही है वो अपने पैसों का इस्तेमाल प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको मॉनिटर प्रॉपरली किया जाना चाहिए। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक जिन जिन कॉरपोरेट्स ने 5,000 करोड़ प्लस की लोन्स ली है उसमें से 80% कॉरपोरेट्स ने अपने फंड को डाइवर्सिफाई किया था, यानी कि जो पर्पज के लिए लोन लिया था वो पर्पज में उसने फंड को यूटिलाइज ही नहीं किया था। तो इसे प्रॉपरली मॉनिटर करना चाहिए ताकि कोई बड़ा लोन डिफॉल्ट हो उससे पहले इस चीज को रोका जाए।